ये रमजान महीने में सीएम साहब ने आप लोगों को कपड़ा भिजाया। सीएम साहब हर मजहब का भी इज्जत करते हैं। जब बतकम्मा दशहरा है तो हिंदू लोगों के लिए कपड़ा भिजवाते हैं, रमजान है तो मुसलमान बहनों के लिए, भाइयों के लिए कपड़ा भिजाते हैं, क्रिसमस आए तो हमारे क्रिश्चियंस के लिए भी कपड़ा भिजाते हैं। सीएम साहब ऐसे सीएम दुनिया में और कोई है नहीं। हर मजहब का, हर गरीब लोगों का इज्जत करते हैं अपना सीएम केसीआर साहब। आप लोगों से मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, ज़्यादा मैं भी अभी तक खाना नहीं खाया, फिरते फिरते आराम होता है। आप लोग इंतजार कर रहे बोले तो खाना बाद में खा लेते, पहले आपका तोहफा दे दिए तो आप घर पहुँच जाते। आप रोजा है, रोजा अलग अलग करके आप दे रहे, काली चलता कौन चलता उसको ना दे। क्या है आप सिद्धि पेट में उस सुबह को निकाल लिए, मोरिया अच्छा साफ हो गए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाने के बाद कहीं मोरियों में कुछ अपने दिखता भी नहीं, कुछ धूप भी नहीं आ रहा आजकल। सो आप लोग जरा मैं सलाम करके बोलना चाहता हूँ। थोड़े लोग क्या कर रहे, घर के पास जो खाली प्लाट है तो उसमें टेक दे रहे, पतला घर कर रहा खाली प्लाट है, इसलिए पोंगा पोंगा रोड में बैठ चुका। आप ये समझना चाहिए कि आपका घर साफ है तो बस नहीं, पूरा आपका गली भी साफ रहना, अपना सीधी पेट भी साफ है तो आप सेफ है, 20% बचे हैं। अच्छा है नहीं है? आप कमेंट से गए तो जो लोग आते हैं ना उन लोगों से पूछ लो आप कहाँ से आए, क्या बोलते, हैदराबाद से आए, करीमनगर से आए, जगित्या, कामारेड्डी, मेटपल्ली, सिरसिला, जनगांव, कहीं कहीं से सिद्धि पेट आ रहा। ये अपने लिए फकत की बात नहीं है। एक जमाने में कोविड से क्या था, आज क्या है, बच्चे कभी गए तो कितना खुश होते, कभी संडे हॉलीडे है तो इसके पहले हैदराबाद जाते थे बच्चे को लेकर सिनेमा देखना या कहीं जाने के लिए। आज हैदराबाद वाले सिद्धि पेट आ रहे, इतना अच्छा अपना सिद्धि पेट को हम डेवलप करते जा रहे हैं। सो बहनों ज्यादा वक्त मैं नहीं देना चाहता हूँ।